सामने आ रही है जहां पर पुलिस और बावरिया गैंग के बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। जनपद की थाना गोवर्धन पुलिस ने शुक्रवार रात में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बावरिया गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया है। दरअसल 6 अप्रैल 2023 की सुबह जयपुर के रहने वाले गुड्डू नामक श्रद्धालु गोवर्धन में मानसी गंगा नदी में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान दर्शन करते वक्त दो बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन को तोड़ लिया था और इस दौरान चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने थाने पहुंच करके मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि बावरिया गिरोह के सदस्य मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आइए अब इसी पूरे मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, कृष्ण नगरी मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस की एक बार फिर जो है बदमाश बावरिया गिरोह के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो साथी चैन स्नेचर मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकेश बावरिया मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना गोवर्धन इलाके स्थित मानसी गंगा से एक महिला के गले से चैन लूटी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही थी कि मुठभेड़ के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस बावरिया की गोली लगने से घायल हो गया, उसका दूसरा साथी गिरफ्तार हो गया। बिहार त्रिगोण विशेष का कहना है कि मानसी गंगा मंदिर से चैन लूटने के मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली है। मुठभेड़ में सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचे और एक अवैध कारतूस ये जिंदा बरामद किए हैं। जी अमित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि मथुरा को देखा जाए तो यह श्री कृष्ण की पावन धरा है, यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और इसी जगह पर इस तरीके के असामाजिक तत्वों के द्वारा जब इन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो क्या पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं उदासीनता सामने आती है? जी बिल्कुल, आप बोल रही हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी मथुरा है, यहाँ मतलब जिस तरीके से योगी शासन में बदमाशों के प्रति जो मतलब एनकाउंटर जो होते हैं और जो खौफ होना चाहिए वो पुलिस का खौफ बदमाशों में है नहीं, और इसके बाद मतलब कृष्ण नगरी में तमाम जब ये जितने भी 1942 की नोटबुक चलती है कहीं ना कहीं मतलब ये मुठभेड़ का ये लगातार मतलब ये क्रम चला आ रहा है और आज गोवर्धन में की हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी अमित शर्मा जी, चूंकि जब हम बात करें बावरिया गैंग की तो यह कहीं ना कहीं कुख्यात गिरोहों के लिस्ट में शामिल एक नामों में से एक है, लेकिन देखा जाए तो घटना के बाद में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू करी, लेकिन क्या उससे पहले पुलिस प्रशासन का इस बावरिया गैंग के प्रति क्या रुख रहा है हमेशा से, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया है, एसएसपी मथुरा शैलेश पांडे के निर्देशन में इस समय ये जबरदस्त ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यही ये मतलब ये क्योंकि उनके मुठभेड़ भी सक्रिय है, तो ये चेकिंग के दौरान जो है जब उनकी मुठभेड़ हुई तब ये सामने आ पाया, और बराबर पुलिस प्रयासरत है ऐसे साथी अपराधियों को पकड़ने के लिए। बावरिया गिरोह अपने आप में एक साथी गिरोह है और उन दोनों अपराधियों को पकड़ने के बाद में पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। एक साथी गिरोह के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और भी इसमें मतलब जो चेन है उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास करने के लिए इन्होंने टीम गठित की हुई है। जी बिल्कुल, अमित शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मामले से मैं रूबरू आपने करवाया, लेकिन मामले की अधिक जानकारी के लिए आपसे यूं ही संपर्क करते रहेंगे, धन्यवाद। थाना गोवर्धन क्षेत्र में मानसी गंगा मंदिर पर एक व्यक्ति की दर्शन करते समय चेन तोड़ ली गई थी, सीसीटीवी कैमरे से ये पहचान करी गई, तो दो अभियुक्त जिनका की नाम मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया थी, इनकी पहचान हुई, पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बताए हुए जगह पे जब पुलिस के द्वारा माल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तो राधाकुंड बाईपास के करीब एक प्लॉट की चारदीवारी में इनके द्वारा अपना जो ये चेन बेची गई थी उसका पैसा तथा अपना तमंचा रखा हुआ था। मौका मिलते ही इन लोग मुकेश बावरिया के द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया,
पुलिस ने भी आत्मरक्षात गोली चलाई, जिसमें कि एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी है। मौके से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका जो अन्य साथी सुरेश बावरिया था, उससे भी नकदी पैसे के अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।